हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल में। तो दोस्तों, अभी शाम के करीब 6:30 बजने वाला है। तो फिलहाल आज कुछ स्पेशल मतलब बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। और फिलहाल मैं मार्केट से सब्जी लेके आया, कुछ कुछ सामान था वो भी लेके आया हूँ। फिलहाल हम लोग चलते हैं किचन में, अभी बनाने का कुछ कुछ तैयारी कर चुका हूँ। तो चलते हैं फटाफट, आप लोगों को पता चलेगा क्या बना रहा हूँ। तो कुछ ट्राई कर रहा हूँ नया करके हम लोग, और पल्लवी नया ट्राई कर रही है, पहले बनाया नहीं, पहली बनाई नहीं, अब आज बना रही हूँ, देखती हूँ कैसे होते। तो रेसिपी यूट्यूब से देखा था, अभी ट्राई कर रही है। हाँ, यूट्यूब में देख के अभी मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ा स्पेशल कुछ बनाऊं। तो वही एक्सपेरिमेंट अभी होगा, तो कैसा बनेगा, वीडियो में बने रहेगा आखिर तक। नए चैनल में नया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो में लाइक जरूर कीजिए। चले गए, शुरू करते हैं जल्दी से। तो गाइस, देख पा रहे होगे अभी टमाटर काट रही है, टमाटर काट ली, और इधर अंडा बॉईल करके रखा हुआ है। मैंने प्याज भी डाल दिया, प्याज और अदरक और 2 मिर्चा डाल दिया, ठीक है। तो ये यहाँ अंडा भी बॉईल करके रखा हुआ है, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा क्या बनाएगा। तो यहाँ आग भी जला दिया है, गैस ऑन कर दिया। मैं बनाने जा रही हूँ आज अंडा करी, यूट्यूब से देखी हो, देखती हूँ कैसे बनती है, वही रेसिपी देख के अभी ट्राई कर रही है गाइस। देखते हो आज कैसा बनता है, मैंने भी आज तक नहीं बनाया। 5 अंडा बॉईल किया था, 1 मेरी बेटी खा गई, अब 4 अंडा बचा है, अब 4 का ही बनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं तेल डाल रही हूँ, उसमें कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो तेल थोड़ा डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा मैंने आज थोड़ा ज्यादा तेल का बना रही हूँ, अंडा पूरा फ्राई होना चाहिए, आप लोग भी ट्राई करना। ये सभी नॉर्मल है, बनाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा बनाया नहीं। तो मैंने सारा इसमें सब डाल दिया आपका, ये अभी मैं पीसूंगी इसको। तो ये गाइस आज पहली बार ट्राई कर रही है, मैंने भी नहीं बनाया आज तक अंडा वाला कड़ी। आज ट्राई कर रहा कैसा बनता है, ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा, देखते हैं कैसा बनता है। आप लोग भी देखिए, एंजॉय कीजिए, प्रोसेस कर रहा हूँ हम लोग। चुकी है, अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अंडा, छीटा पड़ती है। तो अभी अंडा फ्राई चल रहा है, दो भाग जाती है क्योंकि बहुत छीटा पड़ता है ना अंडा का। एक तो अंडा तो मेरा थोड़ा सा फट भी गया, बॉईल करने के टाइम में फट गया, अरे कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा ही लगता है। आप लोग इसमें फ्राई करने के टाइम में कटिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये जब तक होता है तब तक मैं ये मिक्सर में अब पीस लेती हूँ, है ना। तो गाइस, मसाला मैंने मसाला इसमें पीस लिया आपका, 4 छोटा छोटा टमाटर, फिर मैंने 2 प्याज लिया थोड़ा मीडियम साइज का, और लहसुन अदरक आपका सब मिला के इसमें मैंने पेस्ट बना दिया इसका। थोड़ा मसाला ली, लेकिन बहुत थोड़ा ली हूँ, क्योंकि ये अंडा है ना, अंडा करी इसके वजह से, चिकन होने से थोड़ा ज़्यादा लेती। तो गाइस, फिलहाल तो अंडा फ्राई चल रहा है, बॉयल अंडा का फ्राई कर रहा है। तो फ्राई हो जाने के बाद फिर इसी तेल में फिर बाकी सारा चीज डाल, इसलिए मैंने पहले से ज़्यादा थोड़ा तेल डाल दिया ज़्यादा करके। और टमाटर भी उसको भी पीसना है, टमाटर को भी डालना है इसमें। तो टमाटर मैं लेके आया था अभी मार्केट से, धनिया भी लेके आया हूँ, तो अभी इसे सारा सारा ताजा भी बनाना है, तो इसमें डालना है पेस्ट बना के। धनिया तो मैं भूल ही गई थी, अभी याद आ गई बोलते। चलो धनिया जल्दी से काट लो, टमाटर पीस लिया। चलिए टमाटर पीस लिया, तब तक अंडा हो जाता है, जब तक अंडा हो गया बस 2 मिनट में हो ही जाएगा। चलिए आप लोगों को बाकी आके दिखाते हैं। इसमें मैं अभी थोड़ा नमक डाल दूंगी, नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, मैंने तो 1 चम्मच डाला है, तो स्वाद अनुसार डाल दीजिए अपना। मैंने मसाला सब निकाल लिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये हो गया आपका चिकन मसाला, ये रेड चिली पाउडर, ये हल्दी, इसमें मैं सब भी डाल दूंगी, इसमें डाल के मैं इसमें पकाते रहूँगी। अब इसमें अंडा डाल के फिर इसको 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देना है। नहीं, अभी थोड़ा पकने देना है इसको, थोड़ा इसको मैं अभी पकाऊंगी,
कश्मीरी मिर्च पाउडर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा कलर आएगा, अच्छा अच्छा लगेगा दिखने में भी। तो अभी 2-4 मिनट इसको फिर ऐसे पकाना है, उसके बाद अंडा डाल देना। इसको मैं थोड़ा ढक दूंगी अभी। गाइस ये रहा धनिया पत्ता लेके आया मार्केट से ताज़ा ताज़ा, तो यहाँ से थोड़ा तोड़ के फिर डालना है, लेकिन ये लोकल वाला है लग रहा है हमको, यहीं का धनिया लेके आया। तो गाइस ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा पानी भी मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा पानी दे दिया, तो ये अभी उबल रही है, तो इसमें मैं अभी अंडा डाल दूंगी, उबल आ गई है इसमें। तो आप लोग अगर थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी खाना चाहते हो तो पानी थोड़ा सा सूख जाएंगे तभी भी आप डाल सकते हो अंडा, मैं तभी अंडा डाल देती। तो गाइस अभी हो ही चुका है लगभग, तो अभी अंडा डाल के 10-15 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद ये हो गया, मतलब काम हो गया, सब पक चुका है अंडा का। तो ये मैंने अंडा दे दिया, अभी मैं थोड़ा और थोड़ी टाइम इसको रख दूंगी ऐसे, क्यों कैसा लगता है खाके देख के तो लगता है टेस्टी लगेगा खाने से, अब बाकी तो खाने के बाद मालूम चलेगा ये हुआ कैसा है। गाइस देख के तो अच्छा ही लग रहा है कलर उलर, अभी पकने के बाद पता चलेगा। 10-15 मिनट आँच में छोड़ना है, उसके बाद ये हो जाएगा, फिर धनिया उनिया छिटाना है, बस हो गया गाइस। तो अभी देख लेता है 10 मिनट के लिए छोड़ देता है। धनिया भी मैंने काट के रख दिया थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में, ये देख पा रहा होगा। तो अभी सब कुछ तैयार है गाइस। गाइस अभी मैं देखती हूँ अब कैसी हो गई ये। गाइस हो चुका है अंडा, अच्छा देखो सामने से दिखाओ, मस्त कलर आ चुका है, दिखे गाइस देख पा रहा होगा क्या, मस्त रेडिश पूरा कलर। अब ये मैं बन चुका है ना, खाने के बाद ही पता चला है कैसा टेस्ट है। गैस टेस्ट का फ्लेम अब मैं बंद कर दूंगी, अभी गैस ऑफ कर दूंगी, फिर मैं इसमें धनिया दे दूंगी थोड़ा सा, तो अच्छा लगेगा दिखने में भी। तो ऐसे करके आप गार्निश कर लीजिए, ऐसे करके अच्छा लगता है, दिखाओ सामने से। वो मेरा हो चुका, तो गैस हो चुका है अभी पूरा अंडा करी बन चुका है, अभी टेस्ट करने के बाद ही पता चला कितना टेस्ट हुआ है, तो खा के बताएगा आप लोग भी टेस्ट करके कैसा हुआ है, थोड़ा निकाल के फिर पता चलेगा आप लोगों को गैस। तो गैस टेस्ट करके देखते हैं अंडा करी कैसा बना है, थोड़ा सा लेके चम्मच ले लिया थोड़ा टेस्ट करने के लिए, हल्का सा कैसा टेस्ट आया है। काफ़ी मस्त बनाया, लेकिन थोड़ा तीखा भी हुआ है, काफ़ी अच्छा बनाया गाइस।